कर आप सभी इस SOS के मंच पर उपस्थित हुए और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही कम समय में आप इस एटोमी कंपनी में सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो सेशन है, आज के सेशन का समय को ध्यान रखते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे। आज का जो सेशन का टॉपिक है व्हाई एटोमी इज द बेस्ट, क्यों एटोमी सबसे अच्छी है। इस टॉपिक को लेकर SOS मंच पर हमारे बीच हमारे और आप सभी के बीच बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने के लिए, जो कि बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे। ट्रेनर मोटिवेटर मिस अदिति पाटीदार मैम, प्लीज वेलकम मैम। आज की मीटिंग में हम जानेंगे व्हाई एटॉमिक, आपको एटॉमिक क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। एटॉमिक ज्वाइन करने के पीछे आप लोग जो भी पैरामीटर ध्यान में रखने वाले हैं या फिर जज करने वाले हैं, उसे सुनिए और समझिए अच्छे से। ये मीटिंग उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को वो लोग सीरियसली इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी के प्लान से सेटिस्फाइड नहीं है। उन लोगों की कंपनी प्रोडक्ट को हाईली चार्ज करती है और क्वालिटी अच्छी नहीं देती है, इसलिए वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है तो आपको इसे अच्छे से सीरियसली समझना चाहिए। और एटॉमिक दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी पे ध्यान देती है। एंड आपको ये कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो फर्स्टली रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट इन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया में अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है या दूसरी कंपनीज में नहीं भी देनी पड़ती है, बट जहाँ पे देनी पड़ती है वो इलीगल फीस होती है। बट एटॉमिक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो मंथली चार्ज, नथिंग लाइक दैट। तो ये कंपनी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। सेकेंड, ID एक्टिवेशन। अदर कंपनीज में आपको अगर आपकी ID एक्टिवेट करवानी है, आपने ID तो बना लिया, अगर आपको उसे एक्टिवेट करवाना है तो एक्टिवेट करवाने के लिए आपको वो लोग कोई परचेज करने के लिए देंगे, कोई भी किट और कोई भी पैकेज बाय करने के लिए देंगे, सो दैट आपकी ID एक्टिवेट हो, और उसके लिए वो पैकेज के लिए या फिर वो किट के लिए आपसे पैसे मांगेंगे, जो कि एटॉमी में नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू बाय वन प्रोडक्ट, आप कोई भी एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, वो कोई भी क्वालिटी का हो या फिर कोई भी कितने भी रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पूरे साल में एक प्रोडक्ट बाय कर देंगे तो आपकी ID एक्टिवेट रहेगी, और कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा या फिर 100 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा या फिर 200 रुपए से ऊपर का, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी रुपए का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल आपकी चॉइस रहती है। तो अगर आप साल में एक प्रोडक्ट बाय कर देंगे तो आपकी ID एक्टिवेट रहेगी, उसके लिए आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कोई पैकेज बाय नहीं करना पड़ेगा या फिर कुछ हाई पे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, री परचेज। अदर कंपनीज में एक बार डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हैं तो आपको मंथली रीपरचेज करना पड़ता है, सो दैट आपकी इनकम मेंटेन रहे और आपकी ID मेंटेन रहे, इसलिए आपको रीपरचेज करना पड़ता है। पर एटॉमी में
कोई ऐसी कंडीशन नहीं है एटॉमी में, नो रिपर्चेस नो कंडीशन। आप खुद ही प्रोडक्ट एक बार यूज करेंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट देती है हमारी कंपनी। फोर्थ, आईडी स्पॉन्सरशिप। अदर कंपनीज में आप कितनी भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं एक भी एक ही आईडी पे, मतलब एक ही आईडी के नीचे आप कितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको जितनी डेप्थ में जाना है आप उतनी डेप्थ में जा सकते हैं। एटॉमी में ऐसा नहीं है, एटॉमी में सिर्फ टू लेग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। आप सिर्फ दो लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, एक राइट जगह पे और एक लेफ्ट की जगह पे। सो फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल लेग्स एंड मेंटेनेंस। दूसरी कंपनीज में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप कितनी भी डेप्थ में जा सकते हैं और कितनी भी आईडी को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, तो आप जितनी डेप्थ में जाएंगे उतनी आईडी को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड मल्टीपल लेग्स हैंडल करने में बहुत ही प्रेशर होता है, क्योंकि आपकी आईडी है, आपके नीचे लोग हैं, तो आपको ही हैंडल करना है ये सब। और आपने तो बहुत सारी आईडी ज्वाइन कर दी है तो आपको हैंडल करना है, आपके ऊपर बर्डन है, तो दैट्स डिफिकल्ट फॉर यू। बट एटॉमी में ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजीली आपके नीचे सिर्फ दो लोग हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो आप दो लोगों के ऊपर आराम से ध्यान दे सकते हैं और दो लोग क्या काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। सो इट्स अ बाइनरी प्लान ऑफ टू लेग्स, वन राइट एंड वन लेफ्ट। Then, डमी आईडी प्लेसमेंट। अदर कंपनीज में, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में डमी आईडी लग सकती है, चीटिंग होने के चांसेस इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डमी आईडी कोई भी कंपनी में आप लगा दे तो चीटिंग आराम से हो सकती है, पर एटॉमी में ऐसा नहीं है। एटॉमी में कोई भी डमी आईडी नहीं लगा सकते हैं आप, एटॉमी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आईडी लगती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आईडी एक्टिवेट नहीं होगी और आईडी बनेगी ही नहीं। तो आईडी बनेगी ही नहीं तो रिप्लेस भी नहीं होगी और चीटिंग का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। चीटिंग का अगर यहाँ पे चीटिंग होती है तो कितने भी बड़े आप लेवल तक पहुंच गए हैं आपकी सारी आईडी बैन कर दी जाएगी। ये एटॉमी अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता है चीटिंग एंड ऑल। फिर मल्टीपल आईडी, अदर कंपनीज में आप कितनी भी आईडी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था आपको, पर एटॉमी में आप एक ही आईडी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर या तो हस्बैंड की या तो वाइफ की। और इफ हस्बैंड की आईडी लगी हुई है तो आप वाइफ की आईडी नहीं लगा सकते, वो दोनों एक ही आईडी पे काम कर सकते हैं। और ये आईडी अगर हस्बैंड नहीं है तो वाइफ काम कर सकती है, और वाइफ नहीं है तो हस्बैंड काम कर सकता है, और अगर दोनों नहीं है तो ये थर्ड जनरेशन तक चल सकती है ये आईडी, उनके बच्चे ये आईडी पे काम कर सकते हैं, और वो नहीं तो उनके भी बच्चे इस आईडी पे काम कर सकते हैं। तो ये एटॉमी जनरेशन तक बहुत कुछ सोच के रखा है, फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है। देन वन प्लान, अदर कंपनीज में हर एक कंट्री में अलग अलग प्लान होता है, मार्केटिंग प्लान चेंज होता रहता है, पर एटॉमी में ऐसा नहीं है। एटॉमी में एक वन टीम वन ड्रीम एंड वन प्लान ग्लोबली। आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कंट्री में, जैसे जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया और सिंगापुर, और कोई भी कंट्रीज में जहाँ पे एटॉमी लॉन्च हो चुकी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं या वहाँ पे प्लान जो है जितनी भी कंट्रीज में एटॉमी है वहाँ पे प्लान सेम है। और की बात करते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जितने भी लेते हैं बट लेते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, आपको ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेगा या फिर कुछ भी बाय करना पड़ेगा, तो आपके पैसे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, इट्स ऑल फ्री। आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो देट इज योर टाइम। अगर आपका टाइम इन्वेस्ट करेंगे कुछ अच्छी चीज में तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा उस चीज का। तो आप दूसरी कंपनी से एटॉमी को जज कर सकते हैं कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं है, आपको एटॉमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए।
यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक मार्केटिंग या फिर कोई भी चीटिंग होगी तो आप कितने भी, कोई भी मास्टर है, डायमंड मास्टर है, कोई भी मास्टर है, आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी। यहाँ पे कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी आपकी मंथली इनकम को मेंटेन रखने के लिए आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो रीपर्चेज नहीं करना होता है आपकी मंथली इनकम मेंटेन करने के लिए। नथिंग लाइक दैट। आप को ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए कोई परचेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको पता चला एटॉमी क्यों अच्छी है दूसरी कंपनी से और क्यों बेहतर है दूसरी कंपनी से, आपको डिफरेंस पता चल गया। तो आप दूसरे लोगों को भी बताइए इस कंपनी के बारे में और उन्हें भी बोलिए कि आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ही फायदे में रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू आदिति मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आज का जो सेशन को बेखूबी तरीके से आपने बताए और पूरी डीपली जानकारी आपने दिए है कि एटोमी रियल में क्यों इतनी अच्छी है। ये सारी जानकारी आपने इस SOS मंच से हम सभी तक पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद शॉर्ट एंड स्वीट पर हर चीज समझ में आई कि क्यों एटॉमी बाकी कंपनियों से बेहतर है, स्पेशली इंडिया को लेकर, इंडिया के मार्केट के अनुसार, उसकी इकोनॉमी के अनुसार, कि भाई यहाँ पे एटॉमी को हम क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो उन्होंने हर चीज, हर पैरामीटर को बहुत अच्छे से समझाया है और हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया है। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच जिस तरह आपने हर चीज को प्रेजेंट किया है, और थैंक यू जितेंद्र जी फॉर होस्टिंग दिस सेशन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से अपना व्यूज रखे हैं। और इसके बाद हम जाना चाहेंगे मिस्टर सब्बीर अहमद सर, प्लीज आज अपना व्यूज रखें। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदित्य मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि क्यों करना चाहिए हमें, और बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने बयान किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद आपका सब्बीर अहमद सर। थैंक यू जितेंद्र सर, जो आपने मुझे मतलब SOS में बोलने का मौका दिया। जो भी अदिति मैम ने बताया वो बहुत अच्छे से समझा उन्होंने, एकदम शॉर्ट पीरियड में उन्होंने एटॉमी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो थैंक यू मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताने के लिए, और हमें क्यों एटॉमी ज्वाइन करनी चाहिए ये सब डिटेल बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नागदेव सर जी, मम्मी के आईडी पर काम कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र से हैं, थैंक यू। इसके बाद हम जानना चाहेंगे तारा दाते में, एक बड़ा चेहरा बड़ा नाम है, प्लीज आप आकर अपना व्यूज रखें। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SOS के मंच पर मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज के टॉपिक के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि आज का टॉपिक था व्हाई एटॉमी इज द बेस्ट, यानी एटॉमी क्यों बेस्ट है। एटॉमी हमारे जीवन में ऐसा एक माध्यम है कि सभी लोग ज्वाइन होकर कुछ ना कुछ बन सकते हैं। एटॉमी के माध्यम से यानी ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। एटॉमी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है और हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। और बहुत ही आदिति में हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, इसके छोटी छोटी चीज भी एक्सप्लेन की है, और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, प्लान शो कर सकते हैं, सब मैम ने अच्छी तरह से बता दिया। और आईडी वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी, ये सबसे बेस्ट यानी आदिति मैम ने बताया है, यानी आईडी वेरिफिकेशन करना इतना जरूरी है तभी हमारी आईडी लग सकती है।
और बहुत ही अच्छी तरह से आदिति मैम ने बताया है हम लोगों को, और इतने कम समय में बहुत अच्छे से हम लोगों को बताने की कोशिश की। और थैंक यू आदिति मैम एंड जितेंद्र नागदेवे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दाते मैम, आपने बहुत अच्छे से अपना व्यूज रखे, और रियल है कि ये हमें सबसे पहले अपना माइग्रेशन करना बहुत जरूरी है, तो सभी लोग इसको अपने जिम्मेदारी समझ करके इसको कंप्लीट करें। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम ने, थैंक यू। जी सर, आप अपना व्यूज रखिए। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर, आज तो बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज एक बच्ची जो महज 15 साल या 16 साल की होगी, उसने एटोमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एटोमी ही क्यों बेस्ट है, ये हमें बताने का प्रयास किया। उसकी खुद की आईडी नहीं है, उसकी मम्मी की आईडी है, और मम्मी की आईडी से उसने एटोमी के बारे में जाना। मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो पेरेंट्स बिजनेस करते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स क्या बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये एटोमी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि ज्यादातर के बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने देखा है जो मोहित कुमावत सर है, उनको जानते हैं सारे लोग, तो मोहित कुमावत महज 15-16 साल के लड़के हैं, उनकी खुद की आईडी नहीं है, लेकिन उनका चेहरा भी इंटरनेशनल तौर पे पहुंच गया है। वो अपने पापा के आईडी पे काम कर रहे हैं, और उनका डुप्लीकेशन ऐसे कितने सारे हजारों लोग उन्होंने तैयार किए। तो ये इतना ग्रेट बिजनेस है एटोमी का, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो खासियत है कि ये प्लान ही इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसमें अपना फील आता है, इतना अपना फील आता है कि वो अपना समझने लग जाता है। एटोमी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो एटोमी को एक्सेप्ट करना यानी कि घर जैसा वो माहौल उनको लग रहा है एटोमी का, क्योंकि उनका नेचर एटोमी का, अगर विजन अगर आप देखेंगे तो विजन इतना जबरदस्त है कि उसकी कोई कंपेयर नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। और एटोमी खुद दावा करती है कि हमें 100 साल तक, वो दावा कर रही है कि 100 साल तक हम किसी भी हालत में इसको जिंदा रखेंगे, यानी कि हम 100 साल की एज तक अगर जिंदा है तो एटोमी भी उस एज तक जिंदा रहेंगी, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला प्लेटफॉर्म हम बनाने वाले। तो इतना दृढ़ विश्वास एटोमी को है, और इसी के चलते अभी 10 साल पूरे हो गए एटोमी को, 10-11वें साल में पदार्पण किया है, और उनका जो ग्राफ है कंटिन्यूस बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ग्राफ में थोड़ा सा रुकावट आई, या उनकी इनकम में रुकावट आई, या फिर जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उनका जो व्यू है उनके प्रति गलत है, ऐसा सुनने में नहीं आया आज तक। या आप यूट्यूब देख लीजिए, सारा सर्च कर लीजिए, चाहे किसी कंट्री के लोगों का आप एटोमी के बारे में पूछिए जो इसमें ज्वाइन हो चुके हैं या फिर वो काम नहीं कर रहे, तो उनका व्यू पूछिए, तो ये व्यू अपने आप नहीं आता। तो इतना जबरदस्त व्यू कंपनी का आज दिख रहा है, इसकी वजह है कि कंपनी वेल मेंटेन काम कर रही है, इतना वेल मेंटेन काम कर रही है कि वो सारे लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रही है, और वो कई हद तक कामयाब भी हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि आज आदिति ने मैम ने जो हमें आज प्रेजेंटेशन दिया है, कि मैं बहुत मतलब ये अच्छा फील कर रहा हूँ, इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि ऐसे भी अभी एक नौजवान तैयार हो रहे हैं, जो ऐसी पीढ़ियां तैयार हो रही है, अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार का बिजनेस बनने जा रहा है। जैसे लोग ट्रेडिशनल को मानते, इस प्रकार से अभी नेटवर्किंग को मानने लगेंगे जैसे भी एटोमी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, इतना विश्वास इसके प्रति तैयार हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि एटोमी जैसे इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी, तो भविष्य में जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का जो रवैया है लोगों का, वो बदल जाएगा। तो बहुत अच्छे से आज आदिति ने बताने का प्रयास किया है, मैं उसका सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ।
दूसरा कि अपने जो नागदेव सर है उन्होंने बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा SOS जो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने ये मौका दिया है आदिति जैसे बच्ची को उभरने का मौका दिया है, लीडर्स तैयार करने का मौका इसके माध्यम से मिल रहा है, तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ SOS को, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म सभी को नसीब नहीं होता, सभी को नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, किसी किसी के पीछे जाते सारे काम, यहाँ पे तो सारा रेडीमेड मिल रहा है। आप आओ और अपनी काबिलियत यहाँ पे बनाओ, पेश करो। तो ये एटॉमिक को सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिस्टर मोरेशर, आपने बहुत अच्छे से अपना व्यूज रखे हैं और डीपली नॉलेज भी दिए आपने आज के प्लान को लेकर। और हम आज ने इतने छोटे एज के लोगों ने अपना अचीवमेंट इतना आगे बढ़ाया है, अपनी टीम बढ़ाई है, तो मुझे भी अभी आगे बढ़ाने के लिए काफी हौसला मिला है, जो मैं अभी कोशिश जो कर रहा हूँ उसमें तो फिलहाल तो मुझे उतनी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अभी रेगुलर में जो मैं अटेंड कर रहा हूँ अपनी मीटिंग्स, जिसके चलते मुझे और अपनी बात रखी है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम जानना चाहेंगे मिस्टर गांधीलाल चौधरी सर, प्लीज अपना व्यूज रखें। एटॉमिक कैसे ज्वाइन करना है और किस तरीके से काम करना है सर, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शॉर्टकट में बताया है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे तरीके से और अच्छी तरीके से इजीली काम कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। और उन्होंने शॉर्टकट में बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया है, सरलता से, शालीनता से, हमें बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। सुबह 7 बजे के तो और छोटी छोटी जो भी जानकारी है कंपनी से लेकर के आपको वहां पर देखने को मिलेगी, तो आप उसे सर्च करें सक्सेस ऑफ सिस्टम के नाम से और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। इसके बाद हम समापन की ओर जाना चाहेंगे और समापन के लिए हम कॉल करना चाहेंगे जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट लीडर हैं और SOS मैनेजमेंट टीम के बादशाह हैं, और बहुत ही तरीके से वो सारी चीजें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मिस्टर रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर, प्लीज आप समापन करें। थैंक यू सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त आज आदित्य मैम ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया है, जिस तरह से सोरते सर ने कहा है कि एक नन्ही सी जान, लेकिन उनका नॉलेज देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो नन्ही सी जान है, जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा है, बहुत गहराई तक उन्होंने स्टडी की है एटॉमी के बारे में। शायद बड़े लीडर ने भी उतनी स्टडी नहीं की होंगी एटॉमी के बारे में, जिस तरह से उन्होंने पॉइंट निकाले है और हमारे सामने रखे है, सही में बहुत ही तारीफ काबिल बात उन्होंने आज रखी है इस SOS मंच के माध्यम से। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही युवा अगर सामने आते हैं, बहुत सारे युवाओं के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लान को भी देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा कोई आगे आके बात रखने के लिए। लेकिन आदित्य मैम ने आज एक ही फोन पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आज बड़े तैयारी के साथ, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जितना भी समय मिला उन्होंने एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आज प्लान को प्रेजेंट किया है। और ऐसे ही SOS मंच के माध्यम से हम युवाओं से अपील करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द अपने प्लान प्रिपरेशन के साथ SOS मंच के साथ आइए और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कीजिए और प्लान भी दीजिए, ताकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसको सीरियस लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपके बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपके करियर को बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसका बहुत अच्छे तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि कल जो हमारे बीच में प्लान लेकर आ रहे हैं वो एक बहुत बड़े लीडर है, बड़ी लीडर है, उनका नाम है शबाना मैम। वो प्लान के साथ जो भी अभी नया प्लान लॉन्च हुआ है, आज शायद
लोगों ने देखा होगा उसको, हमने अपने ग्रुप में डाला है पूरी टीम के, वो नया प्लान के साथ हमारे बीच में आएंगी और प्लान कैसा एज इट इज है ये सारी बातें हमारे सामने आज क्लियर करेंगे कल की मीटिंग में 9 बजे के लिए। तो जो लोग भी आज हमने अच्छे सुलझी हुई आप होस्टिंग करते हो और साथ ही साथ क्या तारीफ करना उस नन्हे से बच्चे की कि बड़े बड़े लोग आज मंच पे आने के लिए डर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता नहीं कि वो छोटे है, उम्र से तो बहुत छोटे है लेकिन आज कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा एक फील हो रहा है कि वो बहुत बड़े है और बहुत बड़े लीडर बनने जा रहे हैं। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू आदित्य मैम, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम समापन की ओर लेके जाते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू जितेंद्र नागजी सर। थैंक यू सर। सर समापन की घोषणा कर दीजिए आप। और आज के कार्यक्रम को हम यही समापन करने जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू लीडर्स।